During which decade did the population record negative growth in India? कौन सा दशक था जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव आया? तो 1911 टू 21 बी आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। ये आंसर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। व्हाट इज गोमिया इन बिहार फेमस फॉर? तो डी आंसर है आपका एक्सप्लोजिव फैक्ट्री। गोमिया बिहार में एक्सप्लोजिव फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। सेबी पर सवाल है कि सेबी किस तरीके की बॉडी है, तो ए आंसर है इसका स्टेच्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन कौन सी लिस्ट में आती है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग? तो ये कौन करंट लिस्ट समवर्ती सूची में आती है। और क्वेश्चन सिक्स आपका लाहिरी कमीशन पर है। लाहिरी कमीशन वॉज एसोसिएटेड विद सी ऑप्शन, प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ एडिबल ऑयल्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ सी क्रेडिट पॉलिसी। इसमें जो भी हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? सी गिनी लॉरेंज कर्व। ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई इंप्लाइज दैट फॉरेन इन्वेस्टर ब्रिंग इन हिज कैपिटल। फोर ऑप्शन थे इसमें आपके, विदाउट द अप्रूवल ऑफ एफआईपीबी, बाय इंफॉर्मिंग द आरबीआई विद इन 1 month ऑफ ब्रिंगिंग इन हिज इन्वेस्टमेंट्स, बाय इंफॉर्मिंग बोथ द एफआईपीबी एंड आरबीआई विद इन 1 month ऑफ ब्रिंगिंग इन हिज एंड हर इन्वेस्टमेंट, बाय प्रियर परमिशन टू आरबीआई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्रॉम द अबोव। तो उसका सी ऑप्शन है 1 एंड 2। 1 एंड 2 राइट आंसर है, बाकी 3 और 4 रॉन्ग। तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म दिया हुआ है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपका, और मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मेल्ट डाउन, रिसेशन, स्लो डाउन। तो आंसर इसका डी है, तीनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन? बी ऑप्शन है आपका कॉमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग। 12th क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इन जुलाई 28, 2000। और इस पर जो उसके ऑप्शंस थे आपके, ए बी सी डी, डी ऑप्शन है, इट वुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्म सेक्टर। क्वेश्चन 13, सेंसिटिव सेक्टर एज आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई इंक्लूड्स। तो ए बी सी, ऑल ऑफ द अबाउट, डी आंसर। द आरबीआई इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई? मॉनिटरिंग मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, इश्यूज करेंसी अदर देन कॉइन्स एंड 1 रुपीज नोट, फंक्शन एज बैंकर्स बैंक, वर्क्स एज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आम आदमी बीमा योजना इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इंट्रोड्यूस बाई LIC। बी ऑप्शन, इन इंडिया दोज फार्मर्स आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स हु होल्ड लैंड अप टू 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर इनके पास जमीन है, इनको मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में रखा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ए ऑप्शन मीडियन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ लोकेशन? सी ऑप्शन रेंज। ये दोनों क्वेश्चन आपके स्टेटिस्टिक्स के, आप कह सकते हो। द क्वेश्चन नंबर 19, कम्बशन ऑफ ए कैंडल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन था आपका। प्योर वाटर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सी वाटर बाय फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज? डी ऑप्शन, बॉइलिंग। हैवी वाटर कंटेन्स ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 23, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इम्प्लाइज, फोर ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस विल बी ए ऑप्शन एग्जैक्टली 7। कलर्ड ग्लासेस फॉर गोगल्स कंटेन्स, बी ऑप्शन है आपका लेंथेमाइड ऑक्साइड। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सोप, डी ऑप्शन सोप्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन देयर क्लीनिंग एक्शन देन सिंथेटिक डिटर्जेंट। 27, विच वन ऑफ द विच वन इज वायरल डिजीज, रेबीज, तो रेबीज में पानी से डर लगता है, वायरल डिजीज है, डोगी काटने से होती है। रूबेला वायरस कॉज मीजल्स, मीजल्स होता है रूबेला वायरस से। आई एम टायर्ड, आई रादर देन नॉट टू आउट दिस इवनिंग इफ यू डोंट माइंड, तो बी ऑप्शन है आपका इसमें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर द व्यू दैट द हरियाणा वाज नोन बाय हिज नेम बिकॉज पोस्ट महाभारत पीरियड लिव्ड अबीर, हरियाणा जी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग दिल्ली म्यूजियम हरियाणा द हेवन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू 1328, ये हरियाणा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हरियाणा स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार हुकुम सिंह। हरियाणा इज लैंड लॉक्ड स्टेट, लाइज बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका डी ऑप्शन आपका 27 डिग्री 37 मिनट टू 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। तो ये जितने भी हम आंसर्स बता रहे हैं ये उसी आंसर की पर बेस हैं जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोवाइड कराई थी। क्वेश्चन 34, पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज, तो 573 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा में कितने गांव हैं, 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी डिविजन्स द स्टेट इज डिवाइडेड और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, तो उस वक्त चार होते थे तो चार ऑप्शन है, अभी 6 हो गए हैं। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गुड़गांव डिवीजन, हिसार, सी ऑप्शन। 38, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एस्टेब्लिश इन सेप्टेम्बर 1969 एंड शिफ्टेड इन 1981 टू भिवानी, भिवानी में शिफ्ट किया गया था। हरियाणा हैज अडॉप्टेड न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑन 21 अगस्त 2009। केएमपी स्टैंड फॉर, तो ये कुंडली मानेसर पर पलवल एक्सप्रेस वे, ठीक है, तो ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है जिसको आजकल बहुत चर्चा में है। और नेक्स्ट, हरियाणा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2011 बिकेम इफेक्टिव 1 जनवरी 2011, ए ऑप्शन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2006। लिटरेसी रेट हरियाणा का 68.60, हरियाणा का क्वेश्चन। और सेक्टोरल ग्रोथ हरियाणा में उसे अरेंज करना है 44 में। सर्विस का रोल सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे कम है। महात्मा गांधी रोजगार स्कीम मनरेगा हैज बीन एक्सटेंडेड इन द एंटायर स्टेट फ्रॉम, कौन सा साल था जब इसको एक्सटेंड किया गया, तो इसका ऑप्शन था आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 46, एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट एंड राइस ड्यूरिंग 2010-11 इन हरियाणा इज, डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। हरियाणा स्टेट एनुअल प्लान फॉर 2011-12 अप्रूव्ड बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, कितने रुपए एनुअल प्लान में अप्रूव किए गए, तो 20,358 करोड़ रुपए। विच बफेलो कोल्ड ब्लैक गोल्ड इन हरियाणा मुर्रा, तो हरियाणा स्पेशली इकोनॉमिक जोन केम इन द ईयर 2007। हरियाणा गवर्नमेंट्स लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पर क्वेश्चन था, तो डी ऑप्शन है इसके, ऑल ऑफ द अबव, सभी ठीक है। बेरेंट सी इन आर्कटिक सी ओशन हैज बीन कंट्रोवर्शियल ओवर द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ 40 ईयर्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, तो बेरिंग सी इन दो देशों के बीच में रशिया एंड नॉर्वे। नवनाथम पिल्ले ए साउथ अफ्रीकन नेशनल ऑफ इंडिया ओरिजिन वॉज द फर्स्ट नॉन वाइट वीमेन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, वॉट इज द करेंट प्रोफेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
इंडिया एंड जापान एग्री टू ए स्वीपिंग लिबरलाइजेशन ऑफ देयर, इंडिया और जापान पर के रिलेशंस पे क्वेश्चन है आपका, और इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों ही ठीक है, सी ऑप्शन है, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अयोध्या वर्डिक्ट, अयोध्या वर्डिक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 54, इसका भी ऑल द अबोव। 55, पार्लियामेंट हैज पास्ड एसबीआई अमेंडमेंट बिल 2010 व्हिच कांग्रेस द मिनिमम लेवल ऑफ शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन एसबीआई इक्विटी फ्रॉम 55% टू 51%। द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ये उस जमाने में थे एंड सोनिया गांधी हैव लॉन्च द आधार प्रोजेक्ट अंडर यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट तेमली इन नेंदावूर डिस्ट्रिक्ट, नेंदावूर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, महाराष्ट्र। रिसेंटली यूएनओ सेलिब्रेटेड इट्स 65th एनिवर्सरी, बी ऑप्शन 24th अक्टूबर 2010। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 1052 करोड़ इंसेंटिव्स पैकेज फॉर क्रिटिकल एक्सपोर्ट सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑप्शन डी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर। हु विल बी हेडिंग द नेशनल इनोवेशन काउंसिल विच विल गिव शेप टू द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑब्जर्व द करंट डिकेड्स 2000 एंड 2020 एज डिकेड ऑफ द इनोवेशन, डी ऑप्शन सैम पित्रोदा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अवार्ड फॉर 2010 फॉर देयर वर्क इन यूजिंग इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन, ऑप्शन सी इफ्सा। हड़प्पन पीपल हैड ए कॉमन ब्यूरियल सिस्टम विच इज प्रूव्ड बाई, हड़प्पा पे सवाल है इसका, तो बी और ए और बी दोनों ठीक है, सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड वर, तो पणि पणि बोला जाता था वैदिक पीरियड में, तो ये थे बी ऑप्शन, कैटल बी ब्रीडर्स, कैटल ब्रीडर्स को जो है पणि बोला जाता था। द वैदिक इन वैदिक एज वीडो कुड री मैरी, अर्ली वैदिक एज में जो है विधवा विवाह हो जाता था, हालांकि लेटर वैदिक एज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ब्रिंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आनंद एंड उपाली लेड डाउन द सुत पिटक एंड विनय पिटक रेस्पेक्टिवली, और फोर्थ इसका इट इज मेन पर्पस वाज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, तो इसका ऑप्शन है आपका ए। द सेक्रेट बुक्स ऑफ जैनाज आर कॉल आगम सिद्धांत, हु फाउंडेड द लिंगायत मूवमेंट, बासव। व्हाट इज अबुआब, मिसेलेनियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस लाइक द हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, इरिगेशन टैक्स। द टर्म यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड वॉज मसाहत, द अर्लियर वैष्णव भक्ति संत फ्रॉम साउथ वर अलवार, अलवार जो है आपके वैष्णव भक्ति संत है, जबकि नैनार शिव भक्ति संत होते हैं। आइडेंटिफाई द विजयनगर कॉइन विच वर इन द सर्कुलेशन एंड वर द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज करेंसी ऑल ओवर पैगोडा, अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट पुराना किला, तो पुराना किला नहीं बनवाया था, शेर शाह ने बनवाया था, बाकी आगरा लाहौर और इलाहाबाद का फोर्ट अकबर ने बनवाया था। द मेन प्रोग्राम ऑफ रेड शर्ट्स खुदाई खिदमतगार ऑफ सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऑर्गेनाइज बाई अबुल अब्दुल गफ्फार खान इन सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबेडियंट मूवमेंट, तो मकसद था इसका सी, टू रेजिस्ट द मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पोर्शन। The result of the Pune Pact was the number of seats reserved for depressed classes out of general electorate seats are B option increased, बढ़ा दी गई। Next question number 74, Cripps proposal were rejected because it refused to hand over effective power to Indians. Who presided over the cabinet mission? Sir Patrick Lawrence. Mountbatten plan 3rd June was about the method by which power was to be transferred to British from British to Indian hands. The first Muslim to be elected as president of Indian National Movement
बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। क्वेश्चन नंबर 78, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर है, वॉज एडॉप्टेड बाय कांग्रेस एट स्पेशल सेशन, कौन सा सेशन था स्पेशल जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, कोलकाता। बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड बाय कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी बिकॉज ए मॉब वायलेंस ऑफ चोरा चोरी, चोरा चोरी में घटना घटी थी जिसमें कुछ पुलिस वालों को मार दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, और इसके जरिए फिर पॉसिबल हो पाया लैंड एक्वायर करना। तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इंजॉयड बाय इंडियन, सिक्स। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज, ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 83 कैग के ऊपर है, कैग ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, सी ऑप्शन। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। क्वेश्चन नंबर 85, इफ देयर इज ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु हैज बीन एम्पावर्ड टू फंक्शन एज प्रेसिडेंट, ए ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इफ प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल टू द लेजिस्लेचर और फॉर रिकंसिडरेशन, बी ऑप्शन, ए री पैसेज ऑफ द बिल बाय द सिंपल मेजोरिटी विल कंपेल हिम टू गिव हिज असेंट, टू हुम डज द प्रेसिडेंट द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, किसको देगा प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है। द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय को इक्वल पावर्स इन ऑल स्पेयर्स एक्सपेक्ट, तो डी ऑप्शन है आपका, फाइनेंशियल मैटर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी में भी शुरू किया जा सकता है। गल्फ स्ट्रीम द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट ऑफ अटलांटिक ओशन टेक्स इट्स बर्थ फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट्स इम्पोर्टेंस लाइज इन वार्मिंग इफेक्ट, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेसिस बिलोंग टू द मंगोलॉइड्स एस्किमोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मसाई पर है, ट्राइब है आपकी न्यूजीलैंड केन्या की, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मसाई इज ए ट्राइब ऑफ सेटल्ड कल्टिवेटर्स हु वंस वंडर्ड विद देयर हैंड्स, तो ये दो क्वेश्चन है आपके, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सी ऑप्शन, बोथ वन एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेस्टोरल नोमैड्स, ए आपका पिगमीज। फोर आपका वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमर्शियल फिशिंग ग्राउंड्स आर लोकेटेड कूल वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन कंपैरेटिवली हायर लेटिट्यूड। Which of the following used to be considered a buffer state? C. Belgium. 96. The Australian Transcontinental Railway joins Sydney to Perth. When did European Economic Community changes into European Union? 1992. Territorial waters of India extend up to 12 nautical miles. B option. 99 question, which of the following rivers lies in the Rift Valley? Chambal, Rift Valley, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ताप्ती। और 100 है आपका, खादर सोइल्स आर फाउंड इन फ्लड प्लेन्स। देखो जो ये हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, इसके आंसर की डिस्कस किया है, ये वो की है जो उस वक्त कमीशन ने प्रोवाइड कराई थी हमें, तो ये पेपर है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, इसका एनालिसिस करो और इसका लेवल समझने की कोशिश करो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो तो आप हमारे नोट्स लेकर पढ़ सकते हो, उसमें हमने हर हर बात का जो है हर चीज़ उसमें रखने की कोशिश हमने की है, और उससे उसको आप तैयार करोगे तो उससे आपको हर क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा, जो आगे पेपर होने वाले हैं उनके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
कंप्लीट है वो। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।